हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे नेशंस लीग के बारे में। द यूएफा नेशंस लीग द मोस्ट यूजलेस टूर्नामेंट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ एंड एवर विटनेस्ड। जब अभी अलाइव हूँ ना, वो टूर्नामेंट देखना मेरे लिए सबसे, मतलब आंखों से खून निकलता है उसके बराबर है। तो उसी खून निकलने वाले टूर्नामेंट और उसी वेस्टलेस और यूजलेस टूर्नामेंट के बारे में मेरे साथ बात करने के लिए है मेरा फ्रेंड एज यूजल विपुल। हाय। हाँ देखो, इसके मुंह में भी कोई अल्फाज नहीं है भाई। ये वीडियो कैसे जाने वाला मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो में मोस्टली रेज है और मोस्टली मतलब समझ लो कि सारा फालतू ही है भाई। मेरे को पहली बात तो ये बताओ कि नेशंस लीग का मतलब क्या है, इस दुनिया में यूज़ किया है नेशंस लीग में। आप अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसी टीम्स को नहीं खिलाते हो जो ऑलरेडी मतलब कोपा अमेरिकन साइड की टीम्स है। आपने यूरो बना के रखा है जहां आप मतलब ये सब टीम्स को नहीं लेते। सेंस बनता है, यूरोपियन कप्स है एंड कोपा अमेरिका उस साइड की कप्स है। तो नेशंस लीग भी एकदम यूरो के सिमिलर ही हो गया ना यार विपुल। मतलब अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ये सब टीम्स खेल ही नहीं रही है, यूरुग्वे। तो आप कैसे बोल सकते हो कि नेशंस लीग इज़ डिफरेंट दैन यूरोपा लीग? इस कॉम्पिटिशन का सेंस ही क्या बनता है? ऑलरेडी अभी अभी हम लोग को न्यूज़ आई है कि क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड हैज़ पास्ड अवे। तो उनके वजह से प्रीमियर लीग डिले कर रहे हैं। और डिले होने के बाद जो सीन हो रहा है भाई कि ये है नेशंस लीग है यार, एब्सोल्युटली वेस्ट। और भाई ये टूर्नामेंट भी ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी टीम्स इसको सीरियसली भी नहीं लेती है। मतलब दिस इज़ नॉट द वन दे वांट टू विन, मेरे को ऐसा लग रहा है। तेरा टेक क्या है विपुल? हाँ यही है मेरा टेक कि यूजलेस है, क्योंकि अगर सारे वर्ल्ड के टीम्स खेल ही नहीं रही है, ओनली यूरोपियन कंट्रीज है, तो नेशन लीग्स का मतलब क्यों है? वही तो बात है। एक एडिशनल कंपटीशन डाल दिया है कोई अजीब सा, पता नहीं। 4 साल में एक वर्ल्ड कप आता था, वही बेस्ट था। एंड अगर फ्रेंडलीज भी होते हैं तो भाई कुछ मतलब होता है। फ्रेंडलीज एटलीस्ट थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं भाई। ये नेशन लीग फ्रेंडलीज जैसा ही है। Many hours later. तो बट ट्विस्ट है ना, ये वाला ट्विस्ट है, ये वाला ट्विस्ट है, मनी ट्विस्ट। मनी का ट्विस्ट है, राइट? मस्त मनी ट्विस्ट है। जैसे फीफा के बारे में बात हो रही थी कि फीफा को 4 साल से 2 साल में कर देंगे, बट लेकिन फैंस ने फाइट किया है। बट देखते हैं क्या होता है यार उसके साथ। बट लेकिन यार मैं ये सड़ेले और पकेले लीग के बारे में बात करना चाहूँगा, नेशंस लीग। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल बात करना है तो बात करेंगे, क्योंकि अभी सामने आ रहा है 22 सितंबर से हम लोग वॉच अलॉन्ग करेंगे। बाय द वे आप लोग को जुड़ना हो तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड ज्वाइन विद अस। बट लेकिन नेशंस लीग में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस नंबर 4 पोजीशन पे अपने ग्रुप में। हर एक ग्रुप में अभी इस वक्त ग्रुप स्टेज में 4 टीम्स हैं। तो फ्रांस आर एट द बॉटम पोजीशन इन देयर ग्रुप। उनके ग्रुप में कौन कौन है? डेनमार्क, क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया। भाई डेनमार्क को देखो, ये अचानक से क्या टीम बन गई है यार वर्ल्ड कप के बाद से, जो इन्होंने यूरो में भी फाइट दिखाया और फिर अब भी जो ये लोग नेशंस लीग में भी कर रहे थे। हैव सडनली शोन सम पोटेंशियल और उनकी टीम में एक अलग ही टाइप की केमिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि डेनमार्क आर लुकिंग गुड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। तो मैं एक्चुअली इसके बारे में ही बात करूँगा, साथ साथ में वर्ल्ड कप को भी वाइंड अप करूँगा, क्योंकि दिस थिंग शोज़ अबाउट द वर्ल्ड कप अपकमिंग कि मतलब ये टीम्स कैसे परफॉर्म कर सकती है वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता है डेनमार्क कुड बी गुड। क्रोएशिया एज़ यूजुअल, मतलब उनके पास तो काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर्स हैं, हम बहुत सारे प्लेयर्स को रेट नहीं करते हैं। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे रेबिच है, कोवासिच है एंड आई डोंट नो बहुत सारे, पेरिसिच है। ज़्यादा रेटेड प्लेयर्स नहीं हैं बट ठीक है, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं, अपना काम कर जाते हैं वो लोग। सो फ्रांस उस ग्रुप में लास्ट नंबर पे एंड उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस मैं बोलूँगा मोर देन 90% आर डन। वो लोग क्वालिफाई नहीं हो सकते फॉर द फर्दर राउंड। फ्रांस जैसी टीम को आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्वालिफिकेशन में आगे जाए फॉर द फाइनल्स, बट वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो उनके लिए। वर्ल्ड कप में उनको बंदे मिल जाएंगे खेलने को। एंड द ग्रुप सेकेंड स्पेन और पोर्चुगल एज यूजुअल, वो लोग दोनों लीड कर रहे हैं ग्रुप उसको, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर वो लोग। चेक रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड भी उस ग्रुप में और वो लोग निकाल सकते हैं। बट यार ये तो बात ग्रुप्स की है, मैं तो यही बोलूँगा कि आई थिंक यार ये सब ना प्लेयर्स को इंजर्ड करने के लिए ना लीड कर जाए यार लास्ट में। मतलब इसमें प्लेयर्स इंजर्ड ना हो जाए, मतलब कुछ हैवी चीज़ ना हो जाए उनके साथ। यहाँ पर मेरे को ग्रुप 3 में इटली, जर्मनी और इंग्लैंड का ग्रुप दिख रहा है और सरप्राइजिंगली हंगरी है उस ग्रुप में। विपुल क्या लग रहा है विपुल, हंगरी कौन से पोजीशन पे होगा उस ग्रुप में? उस ग्रुप में मैं बता दे रहा हूँ वापस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। हाँ फर्स्ट है भाई, फर्स्ट। हाउ द फक आर दे फर्स्ट? भाई मतलब सोच लो कि मतलब कितनी केमिस्ट्री और कितनी डिपेंडेंसी चाहिए होती है ऐसे लीग्स में, मतलब ऊपर रहने के लिए। और इंग्लैंड भाई, इट्स कमिंग होम, इट्स नेवर कमिंग होम भाई। गैरेथ साउथगेट जब तक मैनेजर है ना, इट्स नेवर कमिंग होम, इट विल ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम होम भाई, मार्क दैट वर्ड्स। उनका मेन गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड भी इंजर्ड है, तो वो भी उनके कीपर्स है यार। हाँ वही, मतलब जो हमेशा से उनका मतलब गैरेथ साउथगेट का जो मेन कीपर रहा है मोस्टली पिकफोर्ड ही रहा है। यस करेक्ट, आई गेस इज रूल्ड आउट फॉर द नेशंस लीग। अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं बताती बट थैंक्स। तो बाकी निक पोप है उनके पास, राम्सडेल है, तो वो लोग अपना संभाल लेंगे यार, उनके पास कीपर का यूनिट कम नहीं है। बाकी सब भाई नीचे बेल्जियम वगैरह है, यूक्रेन वगैरह ही अच्छा कर रहे हैं। रशिया एज वी नो दे आर बैंड फ्रॉम एवरी फीफा लीग्स, जो भी होंगे वर्ल्ड कप में भी आई थिंक दे आर बैंड। तो ये चीज़ फॉर्मूला वन वगैरह में भी हो रही है, रशिया बैंड फ्रॉम एवरीवेयर एंड उसके रीजंस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब है यार, नेशंस लीग चल रहा है, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम मैं तो बोलूँ भाई। मतलब ये लीग सीधा दिख रहा है कि पैसों के लिए बनी है, ये लीग में कोई इंटेंशन नहीं है किसी प्लेयर्स के खेलने की। किसी प्लेयर से ही पूछोगे ना, मेरे को याद है मतलब एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद और मुझे टीम भी नहीं याद कौन सी टीम का प्लेयर था, बट मुझे याद है कि उसमें बस इतना कहा था कि ये हमको ख़त्म कर देगा। मतलब ये उसको भी नहीं पता उस प्लेयर को कि वो खेल क्यों रहा है, इसका मोटिव क्या है, इसको इस ट्रॉफ़ी को अर्न करने के लिए भूख ही नहीं है भाई, उसके पास हंगर ही नहीं है इस ट्रॉफ़ी को अर्न करने के लिए, जैसे वर्ल्ड कप और यूरोस के लिए होता है। तो खेली किस चीज़ के लिए रही हो भाई, मतलब ना प्लेयर्स को खेलना है ना फैंस को मतलब है, तो तुम टूर्नामेंट रखे क्यों हो, सीधी बात है, टीआरपी और पैसा। तो यार मतलब समझ ही नहीं आता है इस लीग के बारे में। तो क्या करना चाहिए नेशंस लीग में, यंगस्टर्स को बुला के पूरा एक सेकंड टीम खिलाना चाहिए, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए यंगस्टर्स का, एंड वर्ल्ड कप में सारे मेन प्लेयर्स उतारने चाहिए। वही कर सकते हैं एक्चुअली। फिर नेशंस लीग मतलब एक टाइप का वो हो गया, यूरो इज अंडर 17 अंडर 20 टाइप का, कि भाई सारे इनको ही घुसा दो, थोड़े यंगस्टर्स भी गेम में दिखने लगेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा फ्यूचर मार्केट के लिए। डेड रबर टूर्नामेंट यार, डेड रबर टूर्नामेंट। आई एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू वॉच द लीग, और आई थिंक तुम्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ये लीग देखने में, वेस्ट ऑफ टाइम है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। और देखते हैं क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग वॉच अलॉन्ग करने आएंगे क्योंकि बड़ी टीम्स है, बड़े प्लेयर्स हैं, बट देखते हैं यार उस समय क्या होगा। तब तक के लिए गुड बाय।